वेलकम बैक गाइस टोनी फ्लिक्स। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई 7 सीरीज के बारे में जिनकी स्टोरी आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। इन सभी सीरीज में एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी और क्राइम ये सब कुछ देखने को मिलेगा जो OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी में अवेलेबल है। और हमेशा की तरह इन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जिससे आपको इन मूवीज को इंटरनेट पे ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। नाउ गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट स्टार्ट। नंबर 7 पे है ब्लड हाउंड, जिसका पहला सीजन 9 जून 2023 को रिलीज हुई थी। सीरीज की कहानी में दो मुक्केबाज आदमी को दिखाया गया है जो एक उदार साहूकार से मिलकर एक निर्दयी साहूकार को मारने के लिए एकजुट होते हैं, क्योंकि वो निर्दयी साहूकार आर्थिक रूप से हताश लोगों का शिकार करता है। अब ये दोनों फाइटर मिलकर इस निर्दयी साहूकार को कैसे मारते हैं ये आप इस वाले सीरीज के 8वें एपिसोड को देखकर पता लगाइए, जिसमें आपको कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा। सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 8.1 out of 10। नंबर 6 पे है योर ऑनर, जिसका दूसरा सीजन 19 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। अगर आपने इसके पहले सीजन को नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद ही दूसरे सीजन को देखना। कहानी में न्यू ऑर्लियंस के न्यायाधीश डीसियाटो की कहानी को दिखाया गया है जो अपने स्वयं के गहरे विश्वासों का सामना करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनका बेटा एक संगठित अपराध परिवार को गले लगाने वाले हिट एंड रन में शामिल होता है। अब इसके पिता हर वक्त ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे अपने बेटे को हिट एंड रन से आजाद कराएं। कहानी की ड्रामा और क्राइम आपको लास्ट तक बांध के रखेगी। सीरीज जियो सिनेमा पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 7.6 out of 10। नंबर 5 पे फवर, जिसका पहला सीजन 25 मई 2023 को रिलीज हुई है। सीरीज की कहानी में एक पिता और उसका बेटा है जिन्हें पता चलता है कि वे गुप्त रूप से CIA के लिए काम करते हैं। अब पहले से ही पेचीदा अंडरकवर मिशन एक बेकार पारिवारिक मामले में बदल जाता है, जिससे ये बाप बेटे मिलकर कैसे गुजरते हैं ये आप इस वाली सीरीज में देखिए, जिसमें आपको एक्शन एडवेंचर के साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगा। सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 6.5 out of 10। नंबर 4 पे है फेक प्रोफाइल, जिसका पहला सीजन 2023 में रिलीज हुई है। सीरीज की कहानी में कैमिला नाम की एक लड़की है जो एक डेटिंग ऐप के जरिए प्रिंस चार्मिंग नाम के एक लड़के से मिलती है। अब एक रोमांटिक सीन के बाद कैमिका चार्मिंग को चौंकाने के लिए एक योजना बनाती है, केवल एक झूठे स्वर्ग में फंसने के लिए। कहानी में आगे क्या होता है ये आप इस वाली सीरीज में देखिए। सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 5.6 out of 10। नंबर 3 पे है डेड लोच, जिसका पहला सीजन 2 जून 2023 को रिलीज हुई है। सीरीज में आपको दो अलग अलग महिला जासूस को दिखाया गया है जो डेडलोच के एक समुद्री तटी गांव में जाती हैं, जहां पर एक आदमी का खून हुआ है और ये खून एक रहस्यमय तरीके से की गई है। अब ये दोनों महिला मिलकर इस केस को कैसे सॉल्व करती हैं ये आप इस वाले सीरीज में देखिए। प्राइम वीडियो पे ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 5.7 out of 10। नंबर 2 पे द विचर ब्लड ओरिजिन, जिसका पहला सीजन 25 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई थी। सीरीज की कहानी में द विचर की दुनिया से 1000 साल से भी पहले से एलवेन दुनिया के 7 बहिष्कृत अजय शक्तियों के खिलाफ खून की खोज में एकजुट होते हैं। सीरीज में एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन और फैंटेसी इतनी कमाल की है कि आप इसे लास्ट तक देखने पर मजबूर हो जाओगे। सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 4.8 out of 10। फाइनली पहले नंबर पे आने वाली सीरीज का नाम है सितंबर मॉर्निंग, जिसका दूसरा सीजन 2022 में रिलीज हुई थी। सीरीज की कहानी में कैसेड्रा की यात्रा को दिखाया गया है जो पहली बार खुद की वजह के साथ अपने जीवन के चीजों को ट्रैक पर देखना शुरू करती है। एक प्रेमी है जिसे वो प्यार करती है। कैसेड्रा एक शहर में कुरियर के रूप में नौकरी करती है और अपने सपने को पूरा करती है। हालांकि उसके जीवन में एक भयानक मोड़ तब आता है जब उसका पूर्व लीड गैसिनो के साथ आता है और दावा करता है कि वो कैसेड्रा का बेटा है। कहानी में आगे क्या होता है ये आप इस वाले सीरीज में देखिए। प्राइम वीडियो पे ये सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 7.5 out of 10। अब यार ये रहे हाल ही में रिलीज हुई 7 सीरीज जिनका बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से किन किन सीरीज को देखना पसंद करोगे, और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी सीरीज बढ़िया लगी। चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो उस बंदे के पास जो आपसे हमेशा मूवी मांगता है।